हे गाइस, तो आज हम जा रहे हैं टेंट लगाने कैंप पर। तो अभी हम लोग बाइक पर, यहाँ हरी बाबा बाइक चला रहे हैं। तो अभी हम पहुँचने ही वाले हैं। तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं। तो गाइस, आप देख ही सकते हैं कि पीछे मेरे हरी मामा जो है वो टेंट बना रहे हैं। ये जो पार्सल टेंट है ना, वो कल ही आया था। तो हम सोचे कि आज जाएंगे, लेकिन आज भी बहुत लेट हो चुका है। लेट हो गए क्योंकि वो जो मेला में चल गए थे ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। अब इसके अंदर हम जाएंगे, फिर बहुत फन करेंगे, फिर आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए, हम आपको दिखाते हैं कि टेंट बन ही चुका है, लेकिन पूछाते हैं हरी मामा से कि क्या क्या हो रहा है। आइए हरी मामा, बोलिए कितना मेहनत लगा आपको बनाने में। मेहनत तो नहीं लगा, बस थोड़ा सेटअप किए, पहली बार टेंट बनाए, अच्छा ही मतलब मजा आया। अब चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं कैसा फीलिंग आता है। अब ये तो पूरा इजीली बन गया, आप जैसा कि देख ही सकते हैं। और अब चलिए, सब आदमी चलेंगे, बस लास्ट फील है इसको ठोक लेते हैं। तो भाई लोग, आज का ब्लॉग मेरी भांजी ही बनाई, कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट में। और चलिए, अब इसके अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, टेंट मेरा बन के तैयार हो गया, अब इसके अंदर चलते हैं। थोड़ा एक दो घंटा रुकते हैं, इसके बाद चलेंगे भूटान। वहाँ पे पूरा बारिश में रहेंगे अकेले, या फिर किसी भांजा को ले लेंगे। चलिए दोस्तों, अब इसके अंदर बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। छोटू सा घर, ओ भाई, आ जाओ। इसमें सोने में बहुत मजा आएगा, लगता है कि रात इधर ही बिताना पड़ेगा। We'll be right back.
लग रहा है कि अब अकेले हम जाएंगे ट्रिप पे, तो वहाँ पे बैठेंगे, पहाड़ पे जाएंगे, नदी नाला के साइड में जहाँ सुकून भरा जगह होगा वहाँ बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे और जितना भी मेरा ऑडियंस है सबको दिखाएंगे। तो साधना कैसा लग रहा है इस छोटू सा घर में? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको कैसा लग रहा है? हम तो मतलब बहुत दिन से सोच रहे थे कि एक तो कैंपिंग टेंट लेंगे तो लिए, ऑर्डर किए, कल ही आया, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि कैंपिंग टेंट को ओपन करके रिव्यू दें, तो आज आ गए हैं यहाँ पे और सेटअप किए। बहुत अच्छा लग रहा है हमको और लेना सफल रहा, जैसा कि देख ही सकते हैं पूरा एकदम इसमें डबल लेयर है। अगर मच्छर उच्छर ज़्यादा आएगा तो ये लगाने वाला है, मच्छरदानी भी है। और बारिश उरिश हो रहा है उसके लिए ये वाला लेयर भी है, ये डोर जिसको बोलते हैं अपना लोग का छोटा सा डोर, देख सकते हैं ऐसे करके। तो आज तो बहुत खुश है, मतलब ये कैंपिंग टेंट लेके हम बहुत खुश है। आपसे लग रहा है कि आज मैं खुद घर बनाया, एकदम जैसे लग रहा है अपना घर है, मेरा घर है। आज बहुत खुशी मिल रहा है। और गाइस, आज का मौसम भी बहुत अच्छा है जैसे कि आपने देखा होगा। हाँ, तो आज मन कर रहा है यहीं पे सो जाए, एक बार सो के देखते हैं कैसा लग रहा है। चलिए गाइस, हम भी सोते हैं। अरे भाई, तो पूरा हट गए गाइस, मैं तो पूरी हट गई। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा है, मैं बहुत छोटी हो गई। वाओ, इसका मस्ती चालू हो गया गाइस। इधर अगर आपको कहीं जाना है और आपके पास पैसा नहीं है तो आप ये खरीद सकते हैं सस्तू सा, और ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा गाइस, और आपका अच्छा। पैसा भी बच जाएगा। आज मेरा कैंपिंग टेंट लेना सफल रहा और मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि एक तो कैंपिंग टेंट होना चाहिए, तो हर यूट्यूबर के पास होता है, मेरे पास नहीं था। हम बहुत वेट किए क्योंकि हम बहुत घूमते फिरते हैं, तो हमको कैंपिंग टेंट का अखर हो रहा था कि कब लेंगे, लेकिन लिए। निकल चुके हैं इत्तू सा घर से, और समझ लीजिए ये अनबॉक्सिंग टाइप ही था। असली व्लॉग तो जब स्टार्ट होगा जब हम भूटान में जाएंगे, भूटान में कितना अच्छा मौसम होता है ना, वहीं पे हम लोग व्लॉग शूट करेंगे। अगर मैं नहीं रहूँगी तो कोई बात नहीं, हरी मामा तो रहेंगे ना, क्योंकि मेरा स्कूल चालू हो जाएगा तो फिर मैं नहीं रह सकती। तो अभी हम लोग इसको बंद कर रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत अंधेरा हो गया इसलिए बंद कर रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, तो ठीक है, मैं एंड करती हूँ इस व्लॉग को। बाय।